आज हम बात करेंगे असमाय हुसना में से तेईसवें नंबर पर ट्वेंटी थर्ड वह क्या तेईसवां जो है असमाई इलाही जो है वह है अलाफिदो अलखाफिदो का माना है पस्त करने वाला तो ज़ाहरा कि अल्लाह तबारक व वाली की खासा है कि अल्लाह तबारक व वाल फ़ारो मुशरिकीन को, को, को शिरक और ज़लालत की गुमराही के जरिए से पस्त कर देता है इसी तरीके से ालमों को उनके म्म की वजह से पस्त करता है इसी तरीके से अधुलब के तराजू को पस्त करता है क्योंकि एक पड़ा बुलंद है तो दूसरा पला पस्त करता है इसी तरीके से इंसान जो है उसके सर को बुलंद और पाँव को पस्त करता है तो वह है कि अल्लाह तबारक व ताल खास है कि पस्त करने वाला अलाफिज हो खली खा, फा और दुआत ये खाफ हो तो ये जो है नाम बड़ा जब वीरीब है इसके जो है वो अदद ये चौदह सौ इक्यासी फोटी हंड्रेड एटी वन चौदह सौ इक्यासी हैं और इसका जो है वह मुफरत अदद है फ़ाइव पाँच पाँच इसका मुफरद अदर है जाहिर कि जब इसका विरद शुरू होगा तो हर पाँच दिन के अंदर हो सकता है कि इस नाम का इजलाल आप पर हो और उसके मुनाफे जाहिर हों जहाँ तक इसके फजायल फ़वायद का ताल्लुक है तो पहला एक फ़ायदा यह है कि, कि किसी भी किस्म की कोई हाजत कोई ज़रूरत है खासतौर पर माली को जरूरत है माली तंगी उसको दूर करना मकसूद है तो चाश्त के नवाफिल अदा करें चाश्त के कम से कम चार नवाफिल या आठ नवाफिल ज़्यादा ज्याद से ज़्यादा तो ये अदा करें अदा करने के बाद ये अल जो जो है इसको या खाफ़िदु के साथ भी पढ़ सकते हैं या खाफ़िदु के साथ भी पढ़ सकते हैं फ़िल्म के साथ ये पाँच सौ मतबा पढ़ना है फ़ाइव हंड्रेड टाइम पढ़ना है बिफ़ोर एंड आफ्टर अलेवन टाइम द्रोथ ये पढ़ के दुआ करनी है और ये एक हफ़्ता करें एक हफ़्ते में देखें क्या तब्दीली है फिर दो हफ्ते तो इस तरीके सात हफ़्ते जो है किसी भी किस्म की माली जरूरत और तंगी करी जब करेंगे तो ज़बरदस्त इसमें तसीीर है अल्लाह तबारक वाली गैब से हाजत पूरी कर देते हैं और दूसरी इसके अंदर तासी है कि कोई परेशानी लायक हो गई है और परेशानी से छुटकारा नहीं होता किसी किस्म की जिसमानी रूहानी या माहौलियाती या खानदानी नफसयाती कोई ऐसी परेशानी लग गई है तो उसके लिए वो आदमी अपने नाम का आदत निकाले तो अपने नाम की आदत निकाल के उसके मुताबिक इसका वेद करें और अगर अपने नाम की आदत पता नहीं है तो फिर तीन सौ तेरह मरतबा पढ़ लें तो दौर का तमाजी हाजत अदा करे ये ज़ोर की बात करें या मगरब की बात करें दौर का आतमाज यहाज़ अदा करके उसके बाद ये अल खाफिदु या, 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 या खाफिदू का विर जो है तीन सौ तेरह मरतबा करे अवलाखी ग्यारह मरतबा दूशीफ के साथ ये पढ़ के जो है उस परेशानी और तकलीफ के हवाले से दुआ करे और यह फोटी वन डेज़ पबंदी के साथ करें इन श्ला बहुत मुजरब है कि उससे पहले अल्लाह तबारक वताल उस परेशानी और मुसीबत से छुटकारा दे देंगे और एक तहसीर बड़ी ज़बरदस्त इसमें मुकदमे में कामयाबी करिए मुकदमे में कामयाबी के लिए अगर चाहता है कोई तो तीन रोज़े रखे मुसलसल अच्छा उस वो बंदा जिस पर ये मुकदमा हुआ है या उसका कोई खूनी रिश्तेदार उसकी माँ है भाई है बाप है तो खूनी कोई भी रिश्ता वो जो है तीन रोज़े रखे तीन रोज़े रखने के बाद जो है वो चौथे दिन जो है सत्तर हज़ार मरतबा का इसका ख़त्म करना है अच्छा उसमें घर के सब अफराद बैठ जाएँ तो सत्तर हज़ार का ख़त्म करें या ख़ाफ दू या ख़ाफू या खाफ़ू अवला की ग्यारह मरतबा सब लोग दूशी पढ़ें और सत्तर हज़ार ख़त्म करके इजतवाही दुआ कर लें बस गोया कि ये चार दिन का अमल है अल्लाह की रामद से गैप के खजाने से मदद होती है और मुकदमे में कामयाबी हो जाएगी अब अगर यह कि इज्तिमी तौर तो पर मुमकिन यह अकेला ही आदमी है तो उसके लिए कि तीन रोजे रखे और हर नमाज में तीन दिनों में हर नमाज के बाद सत्तर मरतबा या काफो का व्यद करें अच्छा। सत्तर मरतबा याव्य करे उससे क्या होगा वो तीन दिन के अंदर जो है इनशाला उसके बाद जैसे मुकदमे की डेट आएगी अल्लाह तबारक बता और उस मुकदमे में इसको बरी कर देंगे बाईस कामयाब करेंगे ये एक तरीका है और एक इसमें एक दुश्मन से छुटकारा के लिए दुश्मन बड़ा मोजी है सताता है परेशान करता है और हर मौके पर इस पर रुकावटें डालता है बाद जब खानदानी तौर पे वो दुश्मन पैदा हो जाते हैं बाद दाएं बाएं के लोग दुश्मन है या कोई ऐसे कारोबारी तजारती दुश्मन है तो किसी भी किस्म का दुश्मन मोजी हो या गैर मोजी हो उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि इसके नाम की आदत के मुताबिक यानी चौदह सौ इक्यासी फोटीन हंड्रेड एटी वन टाइम ये या हाफजों का विरद करना है और अवला की यार मरतदुररशीफ ये पबंदी के साथ जो है फोर्टी वन डेज़ की लिए से शुरू कर लें किसी एक नवाज़ के बात करें या जो जोर के बात कर लें या ईशा के बात कर लें करके जो है वो दुआ कर ले तो इन शाला किसी किस्म का भी दुश्मन होगा अल्लाह तबारक वाता दुश्मन को पस्त कर देंगे और जो जेर कर देंगे और इसको दुश्मन पर कामयाबी होगी जी इसके अंदर बड़ा नफा है और एक तासीर बड़ी अच्छी है कि अगर कोई बसरद हर वक्त इसका व्यव रखे तो हर तरह के जुलम से महफूज़ रहेगा कोई इस पर जुलम नहीं डाल सकेगा कोई इस पर ज्यादा नहीं।, नहीं कर सकेगा कोई इसके काम में रुकावट नहीं डाल सकेगा या हर वक्त या खाफिज़ या खाफिज़ का विद रखे अल्लाह तबारकबाद ऐसे शख्स को जो इसका बदखा उसको इसके सामने पस्त रखेंगे और इसके कामों में रुकावट नहीं आने देंगे तो कसरत से इसका विद रखे जब भी आए याद है तो या काज पढ़ता रहे ये इसके फ़जाफ़ायद और जहाँ तक खॉब तबीर का तल्लु अगर लिखा हुआ देखा सुना या आवाज़ सुनी तो इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक वाले इसके दुश्मनों को ज़ेर कर देंगे और इस वक्त ये किस जिस मुसीबत और परेशानी में है अल्लाह उस परेशानी से उसको निकाल कर इसको मरतबर बुल दियाता देंगे तो ख़ब तबीर भी इसकी बहुत उम्माद है माशा बहुत खूब बहुत ही अच्छे इसके मनाफ़ हैं अलहमद तो नाजिन ये थे अलखाफों के फायदे अल्लाह ताली से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताली इसको हमारे जिंदगी का हिस्सा